तो इस बात का ख्याल रखिएगा। वैसे कोरोना से बचने के लिए हर संभव कोशिश हो रही है, भारत का हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। आप भी लॉकडाउन में रहकर कोरोना को हराने की कोशिश कर रहे होंगे, ये हम उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे में अब आपके पास एक और हथियार आ गया है। ये हथियार है आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप। इस तकनीक के जरिए आप कोरोना को हरा सकते हैं। आप ये कैसे करेंगे, हमारी अगली रिपोर्ट देखेंगे तो समझ जाएंगे। मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु कोरोना के संक्रमण से कैसे बचाएगा, ये कैसे काम करता है, इस ऐप की पूरी ABCD हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले जानिए कि कोरोना के खतरे से अलर्ट करने वाले इस ऐप पर लॉगिन कैसे किया जाता है। गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाइए, केसरिया दिल और हरे रंग के टिक के निशान वाले आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए। ये ऐप आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखने लगेगा। इसके बाद आप इसे क्लिक कीजिए। ऐप में रजिस्ट्रेशन से पहले फोन की लोकेशन और ब्लूटूथ ऑन रखिए, ये दोनों हमेशा ऑन रहेंगे तभी आरोग्य सेतु ऐप काम करेगा। ये स्कोर कैसे एसेस होता है एक व्यक्ति का? रिस्क स्कोर, हाँ, कोविड रिस्क स्कोर, वही मैंने बताया कि ये बेसिकली आपके क्या सिम्टम्स हैं, आपकी क्या ट्रेवल हिस्ट्री है, उसके अलावा आपके साथ कोई और हेल्थ कंडीशन आपकी क्या है, ओवर एंड अब आपके जो कॉन्टेक्ट्स, जो आपके लोग आपके पिछले 10-12 दिन में आपके कॉन्टेक्ट्स में आए, उनके साथ उन सब की हिस्ट्री को प्रोसेस करके और उसमें फिर कुछ एल्गोरिथम्स लगा के डिस्टेंस और वो सब करके। ऐप खुलते ही सबसे पहले भाषा को चुनना होगा। इसके बाद एक के बाद एक चार पेजेस सामने आएंगे। आरोग्य सेतु ऐप में रजिस्टर नाउ पर क्लिक करें। ऐप को लोकेशन शेयरिंग की अनुमति देनी होगी। लोकेशन चुनकर मोबाइल नंबर फीड करना होगा। इसके बाद यूजर को अपनी डिटेल्स देनी होगी। कई सवाल पूछे जाएंगे जिसका जवाब देना होगा। इन सब के बाद आपका लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा। सारी जानकारी भरने के बाद अगर आप संक्रमित नहीं हुए तो हरे रंग की पट्टी पर लिखा आएगा यू आर सेफ या आप सुरक्षित हैं। अब ये समझना जरूरी है कि आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल से यूजर कोरोना से कैसे बच सकता है। आरोग्य सेतु कोरोना से रिस्क का लेवल बताता है। क्या यूजर को टेस्ट की जरूरत है, डॉक्टर को दिखाने या फोन पर सलाह की जरूरत है, अगर टेस्ट कराना है तो कहाँ टेस्ट करा सकते हैं, राज्य और केंद्र की हेल्पलाइन नंबर की जानकारी भी देता है। सीधे क्लिक करके आप नंबर भी डायल कर सकते हैं। ये ऐप कोरोना से जुड़ी लाइव जानकारियां भी देता रहता है। यानी आरोग्य सेतु ऐप पर जिसकी जो भी जानकारी आएगी उससे एक डेटा तैयार होगा, जिसके बाद ये पता चलेगा कि फिलहाल टेस्ट की जरूरत है या नहीं है, या फिर सेल्फ क्वारंटाइन की जरूरत है, या फिर अस्पताल जाना होगा। लेकिन जरूरी यह है कि जानकारी पूरी ईमानदारी के साथ दी जाए। आप समझिए कि आरोग्य सेतु ऐप काम कैसे करता है। ये फोन की लोकेशन और ब्लूटूथ के जरिए जांच करता रहता है कि यूजर के आसपास कोई कोरोना पॉजिटिव शख्स तो नहीं है, लेकिन जरूरी ये है कि दूसरे शख्स के मोबाइल पर भी ये ऐप मौजूद होनी चाहिए। संक्रमित शख्स के संपर्क में आते ही ये ऐप अलर्ट कर देता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है। ये ऐप बेसिकली सिटीजन को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि कैसे वो सेल्फ असेस कर सके कि उसका कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होने का क्या रिस्क है, पॉसिबिलिटी क्या है, और उसके लिए उसमें कुछ सवाल होते हैं, उसके बेसिस पे असेस किया जाता है, उनके सिम्टम्स देखे जाते हैं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री देखी जाती है, उसके बाद उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री जो होती है जो कि ब्लूटूथ के थ्रू एस्टेब्लिश की जाती है, और इन सबको फिर एक एल्गोरिदम में डाल के उस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम्स के थ्रू उनको उनकी पॉसिबिलिटी कम्युनिकेट की जाती है। आरोग्य सेतु ऐप 2 अप्रैल को लॉन्च किया गया और 5 दिनों में इसे 1 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने BJP कार्यकर्ताओं को इस काम पर लगाया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दें और कम से कम 40 लोगों के मोबाइल में ये ऐप आप इंस्टॉल करवाए ही, और उसके अंदर उनकी जो जानकारी है वो डाल दी जाए। रेलवे मंत्रालय ने 13 लाख कर्मचारियों को ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा।
एचआरडी मंत्रालय से जुड़े सभी स्टाफ को ऐप इंस्टॉल करने को कहा गया है। गृह मंत्रालय ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस के जवानों को ऐप लोड करने के लिए कहा है। आरोग्य सेतु ऐप में हर तरह का डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है। आपकी जानकारी सिर्फ भारत सरकार के साथ साझा होगी। नाम या फोन नंबर सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। कोरोना से लड़ाई में विदेशों में भी ऐसे ही मोबाइल ऐप की मदद ली जा रही है। सिंगापुर में ट्रेस टुगेदर ऐप से कोरोना संक्रमितों को ट्रैक किया गया। ब्रिटेन में C19 कोविड ऐप खतरे का अलर्ट देता है। दक्षिण कोरिया में कोरोना मैप ये बताता है कि मरीज किस रूट से गया है। तो चीन में क्लोज कॉन्ट्रैक्ट डिटेक्टर ऐप से पता चलता है कि कोरोना का संक्रमित कितना करीब है। ये जो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है ये बहुत सारे सवालों के जवाब भी देता है और साथ ही एक व्यक्ति ये जान सकता है कि उसका कोरोना वायरस रिस्क कितना है।